हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। हम लोग की चाय हो गई, अम्मी अब्बा भी उठे, अब्बा गए नहाने के लिए और अम्मी ने भी अपना भाप लिए स्टीम, और किचन भी साफ़ किए। और अभी देखो अम्मी दवा खाने की तैयारी कर रहे हैं। अम्मी ने सब किचन का पसारा उठा डाले। अब मैं रोटी बना रही हूँ और ऑमलेट बनाऊँगी नाश्ते को। किचन का नाश्ता हो गया, पढ़ते बैठा है वो। ज़ैनब और मोहसिन तो सो रहे। और आज मैं बनाने वाली हूँ दालचा गोश्त का। अभी ये लोग को नाश्ता देकर फिर ये लोग कुछ सामान लेकर आएंगे अम्मी अब्बा। तो चलिए अभी नाश्ते की तैयारी करते हैं, फिर मैं आपसे बाद में मिलूँगी। अम्मी यहाँ पर हलीम पी रहे। अभी तबीयत कैसी लग रही कल से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हाँ तो चलो, अभी अम्मी की तो तबीयत अच्छी है, थोड़ी बेहतर लग रही है और हलीम पी रहे अम्मी। अभी हम रोटी डाल रहे हैं, यहाँ पर रोटी बन रही मेरी। अम्मी ने देखो ये कुकी को बाहर छोड़े हैं, क्योंकि अंदर बहुत आवाज़ कर रही थी वो कुकी। जा रही, देखो कैसे जा रही है, घूमते घूमते जा रही है अपना। चेयर के नीचे गई, बैठी उधर। दाल में डाल रही हूँ भिगने के लिए। ये मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ। प्याज, हरी मिर्ची और टमाटो, धनिया नहीं है, धनिया ख़त्म हो गया, अम्मी अब्बा लेकर आएंगे। लेकिन अभी यही डाल के मैं बनाऊँगी ऑमलेट। ज़ैनब भी खाएंगी, अब्बा भी और मैं भी। अब्बा के लिए ऑमलेट बना रही हूँ मैं, और यहाँ दालचीनी की दाल सीटी मार रही है कुकर। अभी हम ऑमलेट बनाएँगे। बदल क्या कर रहे हैं? बदल क्या कर रहे हैं? कोको पकड़ रहे हैं। अरे उधर मत जाओ ना, बंद करो गुड्डू। हाँ बोलो। उधर मत जाओ, वो आ नहीं इधर। ऊपर के गुड्डू। चल चल चल। कब से बाहर बैठे हो? कोको। घंटा हुआ। छोड़ना चाहिए। खोलो अभी, लेकिन ज़्यादा नहीं फेटने का, हरी मिर्च उतार। अब्बा का ऑमलेट रेडी है, अब्बा आ जाओ। तो अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, नाश्ता विश्ता हो गया और कॉफ़ी पीते बैठे हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? तुम बच्ची चिकन खाते थे, चिकन का गोश्त बनाना, गोश्त में गोश्त चलाने का सब मिलता ना। पार्किंग गए, नमाज भी गई, पकाना भी गया, सब गए। बरोबर है ना? फिर चावल भाजी वाले पास थोड़ी मिलेंगे, चावल का एक दुकान।
भाजी का दुकान है ना, देरी ना जाना। नहीं बोल रहे हो, जाना बिक रही है थोड़ा। क्या क्या सामान लाने का तो नाना को लिख कर दे रहे हैं लिस्ट, नाना की याद में नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारा सामान है। करके फिर बाद में फ्रेश होके तुम आना आधे घंटे में, आदमी क्या क्या करेगा ऐसा चीज माँ बोलते ज्यादा नहीं माना। हाँ थोड़ा थोड़ा और होता कितना ज्यादा हो जाता है। गोश्त का दुकान नहीं तो लाई होती मैं हवाने गाड़ी में है। अब्बा की पुरता अब्बा दुबले पतले हैं टमाटर भी है अभी है टमाटर मत कट कर चलो टमाटर प्याज और टमाटर बांध लाएंगे टमाटर कुछ नहीं थोड़ा चल भाई टमाटर कट करो कट कर टमाटर कट कर दुधिया किलो लगेगा ना। हाँ हमारे यहाँ नहीं खाते बच्चे ज्यादा क्या। हाँ आदत बस हो गया आधा का तुम खाना ज्यादा नहीं खाते क्या। नहीं दूधी आधा खीर भी बनाने क्या देता इतना उन्हें कौला खीर बनाने ही क्या तो खीर बनाएंगे ना तो आधा किलो बस एक एक कितना हुआ अभी अभी दो टमाटर भी नहीं दो तीन किलो के आसपास एक किलो चावल दो तीन किलो होता बस जब ऊपर से लाओ पैसे ले। अब्बा रेडी हो गए सामान लाने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स अब्बा ने देखो सब्जी लेकर आए और अम्मी तोड़ते बैठे हैं यहाँ पर। सब हो गया तोड़कर पुदीना कोतमीर और अब मेरा दालची की रेडी हो रही है दालचा। ये चावल भी लेके आए बारीक जीरा राइस और दालची की तैयारी में रही है। पीसना है मेरे को अदरक लहसुन हरी मिर्ची यहाँ पर प्याज है और कोतमीर पुदीना है। ये दाल मेरा दाल हो गई है गल के। अभी गोश्त में मैं ना ये सिरका डाल दूँगी और थोड़ी हल्दी
अभी हम रखेंगे यहाँ पर चावल का कुकर, इसमें हम चावल लगा देंगे। देखो फ्रेंड्स, अभी मम्मी काट रहे मैंगो मेरे लिए। बीच में एक नाम मौसी मेरी काम बढ़ाने के लिए आया, मैंगो कोई आप ही खा लो, मैंगो नहीं चाहिए, दीदी को दे दो, ऐसे चाहिए स्पाइसी। और अब्बा नमस्ते आए, आते थे क्या लेकर आए, खरबूज और क्या लाए, ये क्या है? अरे ये जो है ये हमारे रोटी है, बहुत अच्छी इसको रोटी हम। अच्छा ये रोटी कौन सी रोटी बोलते? अच्छा ये रोटी लेकर आए, सो झाक के रखो, कड़क होगी नहीं था डब्बे में रखू क्या? ये अभी चावल दिखा रही है हम, उनके मम्मी बोलते हैं शुगर वाले को ना डॉक्टर बोलते कि चावल उबाल के पानी फेंको। अभी हम डाल देंगे इसमें, पर दालचा मेरा पक रहा है, अभी हम इसमें डालेंगे इमली। तो ये इमली मैंने यहाँ पर भिगो कर रखी है, इस तरह से करेंगे कस्तूरी मेथी है ना, बड़ा था तो पुराने करते हुए चेक करते थे। कड़क भी मिठाई। अभी ये खरबूज काट दी हुए, अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में और खाते टाइम हम इसे ले लेंगे ठंडे के लिए। फ्रिज में रख देते इधर पीछे, और बाकी का खरबूज है ना इसको हम ढक कर रख देंगे अंदर। अभी खाना पका कर हो गया, अब मैं नमाज के लिए बैठ जाती हूँ, अभी 2 बज रहे हैं और हमें भी नमाज पढ़ेंगे फिर खाने के लिए बैठेंगे। चलिए बाद में आपसे मिलती हूँ मैं, बाय। देखिए मेरे चावल बन गए हैं कितने अच्छे, माशाल्लाह। मौसम को देने का है बस बस। अरे ये है दालचा, बीच में ऐसे ये करो, इसमें क्या करूँ, होल वॉल के ना, वॉल के ना थोड़े तो है वो चावल, ज़्यादा डालो ज़्यादा गोश्त अच्छा डालना, अच्छा डालती दुधिया मत डालो। दाल से डालो साइड साइड में बस। ये देखो ये हमारा